उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का विरोध तेज हो गया है। एक्ट को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने देहरादून में जोरदार प्रदर्शन किया है। तीर्थ पुरोहितों ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बिशन सिंह चौफाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। तीर्थ पुरोहित सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुरोहितों का कहना है कि सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी तक बोर्ड को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए खुद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बिशन सिंह चौफाल ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन पुरोहितों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दिया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर फैसले को लेकर मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार, उसी के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि सुबोध उनियाल ने तीर्थ पुरोहितों को आश्वस्त किया है कि जो भी फैसला होगा वो उनके हित में होगा, तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। क्या है कि थोड़ा उनको भी धारस्थ से रहना चाहिए, इस तरह उतावलापन नहीं होना चाहिए। 30 नवंबर हम बकायदा मुख्यमंत्री जी और मैं जब हम केदारनाथ गए थे मोदी जी के दौरे से पहले, तो बकायदा उनको बोल के आए कि 30 नवंबर तक सरकार निर्णय ले लेगी। तो अभी 30 नवंबर आने में समय है, एक पूरा 7 दिन का समय बाकी है। ध्यानी जी को कह दिया गया कि तत्काल वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें और ध्यानी जी की रिपोर्ट आने की इमीडिएटली उसके बाद हम लोग इस पर फैसला ले लेंगे। इसके लिए हमारी एक जो कमेटी बनी है, वो कैबिनेट ने तय किए होते हैं, वो रिपोर्ट आएगी, कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद जो भी निर्णय कमेटी आएगा, उसके बाद जल्दी से जल्दी सरकार इनके हित में निर्णय लेगी।